नमस्कार, मैं हूँ अनामिका। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी सरे फेरिस्त है। सामाजिक काम करने में लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों की मदद हो या लोग किसी तरह मुसीबत में हो, सबसे पहले परभनी वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ते जी जान से काम करते हैं, जिसको देखकर लोग वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़ रहे हैं। 12 जून 2020 को कलीम खान साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी की परभनी शहर की जिम्मेदारी संभाली। परभनी के जिलाध्यक्ष उद्योगपति सॉफ्टवेयर इंजीनियर अली जनाब आलमगीर खान साहब ने कलीम खान साहब को परभनी शहर अध्यक्ष का नियुक्त पत्र दिया। इस वक्त गंगाखेड़ के भैया साहब वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष अली जनाब आलमगीर खान साहब और कार्यकर्ते मौजूद थे। न्यूज एंकर अनामिका, नमस्कार। हम अच्छे तरीके से काम करना चाहेंगे, पूरी मेहनत से। हाँ, मुस्लिम समाज को, सब समाज के साथ अच्छे से काम करेंगे। और अभी तक जो राजनीति हुई, अभी तक हुई राजनीति, आप तो सभी जानते परभनी की। इंशाल्लाह आगे अच्छे से अच्छे। परभनी जिले में लोकसभा को आलमगीर खान साहब को जो उम्मीदवार दी थी बालासाहेब अम्बेडकर ने, वो बहुत ही सही चेहरा दिया है साहब ने, और वो चेहरे के साथ काम करने में पूरे परभनी ज़िले में बहुत हर समाज का, हर तबके का, हर तक तक आदमी जुड़ रहा है। आज परभनी शहर अध्यक्ष बल्कि हमारे मित्र कलीम खान साहब जो उन्होंने शहर अध्यक्ष पद लिया है, हम उम्मीद करते कि परभनी शहर का चेहरा मोहरा बदल जाएगा और परभनी में आने वाले दिनों में वंचित बहुजन आघाड़ी सबसे आगे निकल जाएगी और वंचित बहुजन आघाड़ी का फ्यूचर परभनी शहर में, ज़िले में तो बहुत अच्छा होगा। ये इतना ही मैं ये बात करता हूँ। एक चीज़ होती है कि हमारे समाज में और जो राजनीतिक स्थिति देश के साथ ही राज्य और राज्य के साथ हमारा क्षेत्र या हमारा ज़िला, और जितना बैकवर्ड मराठवाड़ा रहा है, जिसको जितने भी सरकार जितनी बनी है आज तक, जिसने नकार रखा है हमारे ज़िले को, उसकी वजह रही है कि यहाँ पर सही तरीके से उसका नेतृत्व या उसका प्रेजेंटेशन नहीं किया गया। अगर यहाँ पर सही प्रेजेंटेशन किया जाए और यहाँ के मुद्दों को, यहाँ पर जो तकालीफ यहाँ पर आवाम को या जनता को महसूस होती है, उस तकालीफ को समझने की अगर से आपके पास एक ताकत हो या समझने की आपके पास सलाहियत हो, तो उस चीज़ में आपको काम करने के लिए आपको आसानी होगी। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आवाम की तकालीफ क्या है उसको समझे, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले जितने चुनाव आएंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आवाम जुड़ेगी और एक अपनी ताकत बनाएगी। वो ताकत खुद आवाम अपने आप में एक महसूस करेगी और उस पर हम जी और जान से दिन और रात मेहनत लगाकर परभनी शहर को एक बहुत ही खूबसूरत शहर, अमन का शहर, और यहाँ पर एक पहचान परभनी की, सिर्फ ना ही परभनी ज़िला या मराठवाड़े में बल्कि सारे देश में परभनी के नाम को लेकर जाया जाए, ये कोशिश हमारी इंशाल्लाह जारी रहेगी जब तक हम इसको हासिल नहीं करते। परभनी आज तक, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभनी आज तक। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सैयद अकील।